स्लाइडिंग जोन की वजह से मलबा और बोल्डर लगातार गिर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाजाही में दिक्कत हो रही है, हादसे का भी खतरा बना हुआ है। NH-58 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तोता घाटी मुलिया गांव के पास लगातार पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं। यात्री जान जोखिम में डालकर भी यात्रा को मजबूर हैं। DM का कहना है कि स्लाइडिंग जोन के ट्रीटमेंट का काम शुरू किया गया है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, NH-94 में BRO के द्वारा 20 के आसपास चिन्हीकरण किए गए लैंडस्लाइड के पॉइंट्स, जिसमें कई लैंडस्लाइड पॉइंट्स उनके क्षेत्र में है जो रोड उनकी है, और उसके अतिरिक्त जो अन्य NH के पास है रोड, उसमें भी चिन्हीकरण किया गया है और कई जगह कॉन्ट्रैक्टर्स मोबिलाइज भी हो गए हैं। कुछ 2-3 जगह काम भी प्रारंभ हो गया है। हमने टारगेट दिया है कि आने वाली जो नेक्स्ट मानसून होगा उससे पहले सभी जगह लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट का काम कम्प्लीट। बरसात के दिनों में पहाड़ से सड़कों पर मलबा तीर्थ यात्रियों के लिए सिरदर्द बन गया है। लगातार बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पीपलकोटी, मायापुर, टंगड़ी, पागलनाला के पास जाम लग रहा है। तीर्थ यात्री घंटों घंटों जाम में फंस रहे हैं। तीर्थ यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्राद्ध पितृपक्ष के कारण जो यात्रा बढ़ी है, प्रसाद कम होने के बाद जो यात्रा बढ़ी है, इससे पीपलकोटी गडोरा से लेकर के जोशीमठ बद्रीनाथ तक बहुत जबरदस्त जाम लग रहा है। जो आदमी 3 बजे 4 बजे गडोरा पीपलकोटी पहुंच रहा है, वो रात को 11 बजे जाके कई तरह से जोशीमठ और बद्रीनाथ पहुंच पा रहा है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि NH के पास जितना सड़क है, जो मलबा बरसात के दौरान आ रखा है, वो मलबे को हटाया नहीं जा रहा। अब इनको अलग से बजट चाहिए होता है या क्या चाहिए होता है, ये तो सोचने प्रश्न है, लेकिन जब तक BRO के पास था तो कम से कम BRO मलबा तो हटा ही दे।